गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड पेज नंबर 21 वैक्सीन। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease-causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis and can be prevented by vaccination. जो हमारी body में कोई भी foreign particles जैसे bacteria, virus, कोई भी disease-causing microbes हमारी body में enter करते हैं तो हमारी bodies antibodies बनाती है। ये एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी बॉडी में सोल्जर की जैसे काम करती है। सोल्जर क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो सोल्जर सैनिक हमारी सोल्जर जैसे काम करती है और ये क्या करती है, उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से लड़ती है, फाइट करती है और उनको किल कर देती है, उनकी स्टॉप को, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, उनकी ग्रोथ स्टॉप कर देती है या उनको किल कर देती है। अब जब ये हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे वीक माइक्रोब्स या डेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंटर करा दिया जाए तो हमारी बॉडी सोचेगी कि फॉरेन पार्टिकल्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं और वो एंटीबॉडीज बनाएगी। अब जब वो एंटीबॉडीज बनाएगी और उनसे लड़ने के लिए जाएगी तो वो तो डेड है या वीकेंड है, तो वो क्या हो जाएंगे बॉडी में उनसे फाइट करके, या तो वीकेंड है तो उनको ख़त्म कर देगी। तो जो एंटीबॉडीज एक बार बॉडी में बन जाएगी तो हमारे बाद में जब कभी भी हमको वो सही में स्ट्रांग बैक्टीरिया या स्ट्रांग माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है, क्योंकि एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो बॉडी में मेमोरी रहती है कि हाँ ये इस डिजीज के लिए ही, इस डिजीज कॉजिंग करने वाले माइक्रोब्स के लिए एंटीबॉडी बनी है। तो वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनी बनाई रहती, तो हमको टाइम नहीं लगता फाइट करने में और हम उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देते, हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती। मतलब हमने क्या किया, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो भी था हमने उसकी वीक या तो वीक माइक्रोब्स या डेड माइक्रोब्स को बॉडी में इंटर करा दिया, तो बॉडी ने क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए। अब ये एंटीबॉडीज एक बार बन गए तो उस समय तो ज़्यादा काम नहीं आए क्योंकि वो डेड थे या वीकेंड थे, तो उनको थोड़े से भी किल करके बनी रही हमारी एंटीबॉडीज। एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, अब कभी भी अगर हमारी बॉडीज में वो बैक्टीरिया वायरस फिर से अटैक करता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रेडीमेड बनी हुई हैं और वो तुरंत फाइट करके उनको ख़त्म कर देंगी, तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहेगी। इसी को कहते हैं वैक्सीनेशन। तो कॉलरा, ट्यूबरकुलेसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हिपेटाइटिस के वैक्सीनेशन होते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स 1798। एडवर्ड जेनर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द दीज डिजीज। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। It is essential for to protect all children against these diseases. Necessary vaccine are available in the nearby hospital. You might have been the advertisement of TV and the newspaper regarding protection of the children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. These days vaccine are made on a large scale from microorganism to protect human and other animal from several diseases. हमारे बचपन में हमें बहुत सारे वैक्सीन्स लगी हैं, हम अपने पेरेंट्स की मदद से उनसे पूछ सकते हैं हमको किस किस डिजीज की वैक्सीन लग चुकी है। बच्चों को ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, ये उनको डिजीज से प्रोटेक्ट रखती है। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा एडवर्टाइजमेंट टीवी में, रेडियो में कि पल्स पोलियो प्रोग्राम में पोलियो की ड्रॉप्स, ये भी क्या वैक्सीन है, एक तरह से क्या वैक्सीन है। तो पोलियो की ड्रॉप्स की बच्चों को पिलाई जाती है जिससे उनको पोलियो ना हो। तो ये वर्ल्ड पूरे दुनिया में प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स के लिए भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और मोस्टली वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स को क्योर कर लिया गया, अब स्मॉल पॉक्स को मोस्टली नहीं होता है।
तो पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज स्केल में, बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है, और एनिमल्स को भी सेवरल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। कुछ देखिए, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, गैसियस फॉर्म में वो यूज नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उन बैक्टीरिया को कहते हैं हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में, जिस सॉइल के थ्रू प्लांट ले लेता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, बुजू एंड द पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर अलोंग विद देयर फ्रेंड। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ द प्लांट वेजिटेबल फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन, दे पुट देम इन अ पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड द गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। बुजू एंड पहेली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बुजू एंड पहेली ने अपने गार्डन में, स्कूल के गार्डन में देखा कि गार्डनर एक पिट मतलब गड्ढे में कुछ वेस्ट मटेरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल के वेस्ट, इसके और प्लांट के वेस्ट बगल पास के नियर बाय हाउस से और गार्डन से लाके उस पिट पे रख रहा था और उनको वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर रहा था। कुछ दिन बाद सम टाइम वो डिकम्पोज हो गए, ब्रेक डाउन हो गए और क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। तो जो हमारा वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में, खाद में। तो उसने सोचा कि ये कैसे हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द, हम एक्टिविटी 2.5 देखेंगे। टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, मार्क देम ए एंड बी, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स टेक पॉलिथीन बैग, empty glass bottles and broken plastic toy in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 to 4 weeks. हमने दो पॉट लिए ए बी। ए में हमने क्या डाल दिया, कुछ प्लांट का वेस्ट डाल दिया, और बी में हमने कुछ पॉलिथीन बैग्स, empty glass bottles, broken plastic toy डाल दिया, और 3 से 4 वीक के लिए उनको छोड़ दिया। Do you find any difference in the content of the two pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in the pot A has been decomposed. How did it happen? The plant waste has been converted into manure by the action of the microbes. The nutrients released in the process can be used by the plant again. हमने देखा कि pot plant A में हमने कुछ क्या डाला था, plant का waste डाला था, तो वो किस में convert हो गया, manure में, bacteria के action से। तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, माइक्रोब्स ने इसने क्या कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया और मैन्योर ने मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। तो प्लांट वेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में, किसके कारण, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के कारण। लेकिन जो पॉट बी था उसमें हमने प्लास्टिक वगैरह डाली थी, प्लास्टिक डाला था, पॉलीथीन डाली थी, जो कि डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए वो जो का जैसा था वैसा ही रह गया, वो डिकम्पोज नहीं रहा। You often see large amount of dead organic matter in the form of the decaying plant and sometimes dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of the plant and animal, converting them into the simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and the smelly substance and thereby clean up the environment. हमने देखा होगा फॉरेस्ट में या ग्राउंड में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है, वो डिकम्पोज हो चुके हैं। तो डिकम्पोज क्यों हो जाते हैं, माइक्रोब्स के कारण। माइक्रोब उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल कर कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और अदर प्लांट्स और एनिमल उनको यूज़ कर लेते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिकम्पोज करने में, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में। तो इस तरह इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है, क्योंकि अगर अगर ऐसे ही फॉरेस्ट में एनिमल्स और प्लांट पड़े रहेंगे तो पूरा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, स्मेली हो जाएगा, ठीक है, और टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, यूजफुल है।